हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आज बात करने वाले हैं कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक आता कैसे है और कॉपीराइट हमारे चैनल पर भेजता कौन है, ठीक है ना। इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, अंत तक इस वीडियो को वॉच करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक मीणा और आप देख रहे हैं साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी चैनल। बात आती है कि कॉपीराइट है क्या। कॉपीराइट एक आप किसी की भी जो है वीडियो अपलोड कर देते हो, कॉपीराइट वीडियो अपलोड कर देते हो, मतलब कि मैं बता देता हूँ कि आपने किसी की भी वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड की, वही वीडियो आपके चैनल पर आप क्या कर रहे हो कि अपलोड कर रहे हो, तो इससे आपको भी नुकसान है, ठीक है ना। इससे आपको नुकसान है मतलब कि आपके जो सब्सक्राइबर है इंक्रीज हो गए माना कि उससे, और जिसके बाद आपका चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो क्या करोगे आप, या फिर एक से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए फिर उस चैनल को क्या किया जाएगा, बंद किया जा सकता है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है मतलब कि आपके पास 3-4 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए तो उस चैनल को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। तो कॉपीराइट भेजता कौन है, बात यह आती है कॉपीराइट भेजता कौन है। जैसे कि आपने किसी की भी वीडियो डाउनलोड की, वहाँ से डाउनलोड करके वापस यूट्यूब अपने चैनल पर डाली, दूसरे लेखक के डाउनलोड करके वापस डाली, यानी कि दूसरे क्रिएटर की आप जो वीडियो वापस अपलोड कर देते हो, ठीक है ना, यूट्यूब अपने चैनल पर, तो यानी कि घूमती फिरती वो वीडियो उस तक पहुंचती है, तो वो क्या करता है कि एक यूट्यूब को मेल करता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपीराइट स्वामी जो कि यूट्यूब को क्या करता है, एक यानी कि जो हम अपलोड करते हैं तो ये क्या है, एक कानूनी अपराध है, ठीक है ना, अपराध है, ठीक है ना। अपराध तो नहीं कह सकते परंतु एक शिकायत है, कानूनी शिकायत कर सकता है कौन, कॉपीराइट स्वामी, ठीक है ना। जब कॉपीराइट स्वामी यूट्यूब को क्या करता है कि कानूनी शिकायत करता है, यानी कि कानून है तो शिकायत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद होता क्या है, यूट्यूब को क्या करना पड़ता है कि अब उन वीडियो को निकालना पड़ता है वहाँ से जो कि हमने कॉपीराइट वीडियो अपलोड की। तो उन वीडियो को निकालने के लिए यूट्यूब क्या करता है, उन वीडियो को निकालने के लिए यूट्यूब हमें कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है कि आपको ये वीडियो निकालनी पड़ेगी, आपकी जो कॉपीराइट स्ट्राइक यानी कि जो मिश्रण सामग्री है आपके पास ज़्यादा आ रही है। जैसे कि आप कहीं से फोटो अपलोड करते हो और अपने वीडियो में यानी कि सेटअप करते हो और फिर क्या आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो आप फ्री इमेज यूज़ करें, बहुत फ़ायदा रहेगा। तो कॉपीराइट स्ट्राइक से मैं उदाहरण से समझा देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक वास्तव में होता क्या है। आपने क्लास 10 और 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम तो दिए ही होंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं जबकि मेरे को बहुत आता है, मतलब कि किसी को बहुत सारा आता है और वो लिख रहा है, उसकी कॉपी कोई पीछे वाला स्टूडेंट कर रहा है, तो पीछे वाला स्टूडेंट कर रहा है तो उससे क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट कर रहा है और बाहर से कोई सेकंड वाला आ गया, ठीक है ना, चेकअप करने के लिए कोई आ गया बाहर से और उसको उसने पकड़ लिया, या फिर स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट दोनों के भीतर थोड़ा बहुत मेल जोल नहीं है तो उसने वो शिकायत कर दी कि ये मैं कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉपीराइट, ठीक है ना, तो ये भी कॉपीराइट स्ट्राइक की तरह ही काम कर रहा है। तो उस स्टूडेंट को एक कानूनी मतलब कानून के रूप से हम कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट को 3 साल तक किसी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ये एक कानूनी नियम लगा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब पर भी ये नियम लगा हुआ है, तो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कॉपीराइट स्ट्राइक की, कौन भेजता है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कौन भेजता है, जैसे कि हम ही उनको यूट्यूब को ये कमेंट करते हैं और यूट्यूब वापिस उसको कमेंट करता है और ये वीडियो निकाल दो। तो वास्तव में आता कैसे हमारे तक, एक मेल किस तरह से आता है, जैसे कि हमारे पास एक मेल आता है यूट्यूब का कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, भाई आपके वीडियो पर एक से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहा है इसलिए आपका चैनल बंद कर दिया गया है, इस प्रकार से कुछ एक मेल आता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो लिखा है कि एक आता है URL, ठीक है ना, पहला आ जाता है वीडियो शीर्षक, जिसके बाद वीडियो URL और जिसके बाद जो भी संपर्क जानकारी यानी कि किसी का जीमेल है वो आ जाता है और आपके पास,
प्लस इसके बाद जो आ जाता है कि जो हटाने की अनुमति किसने दी थी, जैसे कि हटाने की अनुमति भी देनी ही पड़ेगी कि उस वीडियो को यहाँ से निकालो, सीधी सी बात है। तो हटाने की अनुमति किसने दी, उसका भी पूरा एक हमारे पास मेल आता है। और वीडियो शीर्षक, जैसे कि आपने कौन सा वीडियो शीर्षक यानी कि डाला है, मतलब कि कोई गाना डाला है या फिर कोई टेक्निकल वीडियो डाला है, तो उसका शीर्षक आपके सामने मौजूद हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि एक एक शीर्षक से आप उन वीडियो को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से वीडियो निकालने हैं वही यूट्यूब ही आपको बोल देता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपने सीखा कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक से हमारे चैनल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, कॉपीराइट स्ट्राइक से हमारे चैनल पर प्रभाव पड़ता क्या, हमारे चैनल को क्या किया जाएगा, निश्चित रूप से बंद कर दिया जाएगा या फिर 60 दिनों तक इस चैनल को बंद कर दिया जाएगा, जब तक जो भी कॉपीराइट वीडियो है अपने चैनल से निकालोगे नहीं जब तक, ठीक है ना। और उन वीडियो को निकालना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है। तो और बात, यहाँ से सिक्योरिटी हमें बहुत रखनी पड़ती है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है यूट्यूब पर, उसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो पे दूंगा, मतलब कि अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।